असम से एक बड़ी खबर आ रही है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। कोरोना काल में जिनके माता पिता का देहांत हो गया है, जो बच्चा अनाथ हो गया है, उनको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलेगी। इस सहायता किस तरह से मिलेगी और क्या प्रोसेस है, दोस्तों ये इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। असम के हिमंत बिस्व शर्मा जी ने आज अनाउंसमेंट किया है कि कोरोना काल में जिनके माता पिता गुजर गए हैं, जिनके यहाँ सर पे कोई छत नहीं है, उनको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलेगी। ये चीफ मिनिस्टर सेवा स्कीम के तहत उनको हर महीने 3,500 रुपये उनके खाते में मिलेगा और साथ ही साथ 7,81,200 रुपये बैंकों में फिक्स डिपॉजिट किया गया है और ये इसी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर उनको हर महीने 3,500 रुपये उनके खाते में मिलेगा। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अनाथ बच्चे हैं जिनको ये आर्थिक सहायता मिल रही है, जब वो 24 साल के हो जाएंगे, उनको 7,81,200 रुपया जो फिक्स डिपॉजिट है उनका जो त्रुटि पुर जाएगा, अंत में जो अमाउंट मिलेगा वो उनके सीधे खाते में चला जाएगा। ये असम सरकार का एक बहुत ही बड़ा अच्छा डिसीजन है जो इस समय में कोरोना के समय में जिनके माता पिता निहत हो गए उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। राज्य सरकार ने 3,500 रुपये पर महीने जो देने का ऐलान किया है, साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी 2,000 रुपये आर्थिक सहायता के लिए अनाउंसमेंट किया है। जो बच्चे 10 साल के नीचे हैं, खासकर लड़कियां, उनको सरकार रहने के लिए और पढ़ाई के लिए एक अच्छा हॉस्टल की व्यवस्था करेगी, जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रेसिडेंटल स्कूल। इसके तहत उनको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी और सुरक्षा भी मिलेगा। हिमंत बिस्व शर्मा जी ने ये भी अनाउंसमेंट किया कि अनुरोधी स्कीम के तहत खासकर लड़कियों को जब शादी उनकी होगी उस समय में 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दोस्तों वीडियोस कैसे लगा हमें कॉमेंट में बताएं। वीडियोस अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।